वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। वीडियो शूट हो रहा है शिप के अंदर और मैं भी शिप में ही हूँ। और आज की इस ब्लॉग में मैं आपको पूरा क्रू एरिया दिखाऊंगा जहाँ पे पैसेंजर्स अलाउड नहीं होते हैं बट क्रू ही जाता है, जैसे क्रू केबिन हो गया, क्रू बार, क्रू जिम, क्रू रेस्टोरेंट, ये सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, पूरा अपना मेन गैंगवे है और ये देखिए, ये है इंजन कंट्रोल रूम ECR। इसके अंदर यहाँ पे आप देखिए, ये है फॉरवर्ड का कैमरा और ये है आफ्ट बैक का कैमरा। पीछे आपको ये पानी दिख रहा होगा, इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको इसमें भी। ये पूरा ही मैं आपको क्रू एरिया दिखा रहा हूँ और यहाँ पे देखिए शू वगैरह पॉलिश करने के लिए होता है और टेलीफोन, इस तरह को भी केबिन रहेंगे और आप देखो इस तरह को भी केबिन है पूरे क्रू के। और यहाँ से स्टेयर्स में ऊपर जाने के लिए, जैसे आपको क्रू मेस वगैरह में जाना है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको नीचे का ही पूरा अकोमोडेशन एरिया दिखा देता हूँ क्रू का। वैसे ये ही नहीं है, ऊपर भी है, डेक 0 में भी अकोमोडेशन एरिया है, उससे ऊपर भी रहता है, डेक 12 तक अकोमोडेशन एरिया रहता है। मैंने जो आपको दिखा रहा हूँ येलो कलर का, ये वाटर टाइट डोर है, मतलब अगर इस तरफ को कुछ हो गया, जैसे डैमेज हो गया शिप, तो इधर पानी नहीं जाएगा, इसको क्लोज कर लेंगे, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कभी। तो मैं लेके आया हूँ आपको स्पोर्ट्स एरिया में। मेरे पीछे कोर्ट देख सकते हैं आप, इसमें आप बास्केटबॉल और फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रू का रहता है। आपको एक बार अच्छे से दिखा, दो गोल पोस्ट बनाए, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे ऑडियंस बैठती है और इसके अंदर आपको खेलना होता है। बॉल बाहर नहीं जाती क्योंकि ऊपर देखो आप, ये जाली लगी होती है तो इसलिए बॉल बाहर नहीं जाती है। अंदर जाके आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए पूरी नेट लगी है, तो जितनी मर्जी शूट मार लो आप, बॉल बाहर नहीं जाएगी। और बास्केटबॉल खेलनी तो यहाँ पे खेल लो आप। तो ये पूरा क्रू एरिया रहता है, क्रू इसमें खेलता है, बट इसकी टाइमिंग होती है, ऐसा नहीं कि कभी भी मर्जी आ जाओ, जब टाइमिंग होगी तब आप खेलो। वहाँ पे रखी भी है बास्केटबॉल और फुटबॉल, ओपन डेक में है ये सबसे ऊपर। यहीं पे स्मोकिंग एरिया वगैरह सब होता है। और ये नीचे देखो, यहाँ पे ये लाइफ बोट्स हैं, जहाँ पे ड्रिल वगैरह होगी या फिर कोई इमरजेंसी होगी तो आपको जहाँ पे भी आपकी ड्यूटी होगी, बट एट लास्ट जब शिप अबैंडन करेंगे तो यहीं पे आना पड़ेगा। ये लाइफ बोट्स, लाइफ राफ्ट, ये सब आपको यहीं पे मिलेंगे। ये शिप के दोनों साइड रहते हैं तो पूरा यहाँ पे पैसेंजर्स अलाउड नहीं होते हैं। ये पूरा क्रू एरिया ही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। फिर आगे से वहाँ तक पूरा आप देख सकते हैं और उस तरफ को भी ऐसा ही रहेगा। मैं आपको स्टार बोट साइड दिखा रहा हूँ, राइट साइड। अगर आप लेफ्ट साइड जाएंगे पोर्ट साइड तो वहाँ पे भी यही रहेगा सेम। तो चलिए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ क्रू बार। और ये देखिए, ये पूरी क्रू लिफ्ट है और अपना क्रू बार है इधर। तो ये अपना पूरा क्रू बार है। आपको यहाँ से बाहर जाना है, ये देखिए क्रू ऑनली लिखा है यहाँ पे। तो पूरा क्रू एरिया है, डोर बहुत टाइट है। ये पूरा क्रू के लिए साइकिल है, अगर आपको बाहर वगैरह जानी है तो वेलफेयर से, आप जो वेलफेयर का ऑफिस है वहाँ से आप साइकिल वगैरह लेके बाहर जा सकते हैं, फिर आपको रिटर्न करना होगा। और भी साइकिल हैं ऐसा ही, दूसरे साइड को भी है, उधर भी साइकिल्स हैं पूरी। सामने देखिए, ये है क्रू लॉन्ड्री, मतलब अभी एक ही दिखा देता हूँ आपको, इसमें तीन क्रू लॉन्ड्री है पूरे शिप के अंदर, ऐसे ही छोटे छोटे। तो ये देखिए, ये वॉशिंग मशीन, ऊपर ड्रायर, तो आप इसमें अपने कपड़े डालो फिर ड्राई कर लो, जैसे आपको दिखा देता हूँ, किसी ने डाले भी होंगे अभी। हाँ, इसमें चल रहा है। और अगर आपको कपड़े आयरन करने हैं तो यहाँ पे है आयरन मशीन। बट ये देखिए आप, एक चीज़, ये लॉक रहता है पता आपको, इसके लिए की लेनी होती है, आप इसको निकाल नहीं सकते, बिकॉज अगर किसी कोई बंदा आयरन कर रहा है, ऐसे भूल गया, छोड़ गया, तो फायर वगैरह हो सकता है। तो सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है शिप में, सेफ्टी फर्स्ट। तो इसलिए आप देख रहे होंगे, कई बार घर में भी हो जाता है, आप देखते होंगे कपड़े वगैरह प्रेस कर रहे हैं और जल जाता है, और कोई बंदा चाय पीने निकल जाता है, कोई कहीं निकल जाता है, कपड़े वगैरह जल जाते हैं ना, फायर हो जाता है। तो शिप में तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। देखो लॉक है, तो बंदा आएगा, वो चाबी देगा, वो यहाँ पर खड़ा रहेगा,
जब तक आप प्रेस आपका मतलब जो लॉन्ड्री या हाउसकीपिंग का बंदा आपका जब ये जो भी आयरन वगैरह करना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जाएगा वो, क्योंकि अगर आपने इसे छोड़ दिया बाई चांस तो फायर होने के चांस रहते हैं, तो सेफ्टी फर्स्ट रहता है ऑन बोर्ड। तो ये देखिए पूरा ये क्रू लॉन्ड्री। ये है अपना क्रू जिम। तो क्रू जिम कुछ इस तरह का रहता है। अगर आपको पैसेंजर जिम देखना है वो तो आपने मेरे दूसरे ब्लॉग में देख ही लिया होगा, जिसमें मैं आपको पूरा पैसेंजर एरियाज दिखा रहा था। तो इस तरह का क्रूज़ जिम रहता है, पूरा गैंगवे है, या इसको लगेज एरिया भी बोल सकते हैं। ये देखिए मेडिकल सेंटर, इसके अंदर हॉस्पिटल रहता है। के सामने यहाँ पे ये नोटिस बोर्ड वगैरह हैं, जहाँ पे सेफ्टी बोर्ड या फिर HR बोर्ड ये सब आप देख सकते हैं। कोई नया अपडेट न्यूज़ रहेगा तो सब यहाँ पे पोस्ट होती है। यहाँ पे अभी शाम के 4 बजे हुए हैं, तो अभी टी टाइम चल रहा है, तो थोड़ा सा कॉफ़ी पी लेता हूँ मैं, उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा लॉन्ड्री। और आपको मैं जैसे मैंने क्रू लॉन्ड्री तो आपको दिखा दी थी, तो अभी मैं दिखाऊँगा आपको जहाँ पर मतलब सारा जो क्रू रहता है उनके जो यूनिफॉर्म है वो वॉश होते हैं, या फिर जो पैसेंजर्स हैं उनके कपड़े वगैरह, और जो अपना लिलिन है जैसे बेड शीट वगैरह पिलो कवर ये वो जो भी है सब धुलता है। बड़ी लॉन्ड्री वहाँ पे आपको लेके चलूँगा, वो आपको मैं दिखाऊँगा। पहले कॉफ़ी पी लेते हैं। ये पूरा क्रू एरिया है और यहाँ पे अभी लिफ्ट का वेट हो रहा है। मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ क्रू लॉन्ड्री। ये इस तरह की क्रू लिफ्ट रहती है, और लॉन्ड्री जो है वो सीधे नीचे है डेक बी पे। जो जीरो है वो गैंगवे है, और यहाँ पे क्रू केबिन्स होते हैं, ए में भी क्रू केबिन्स है नीचे। ये यहाँ पे लॉन्ड्री है, बाकी ऊपर को सारे क्रू केबिन्स भी रहते हैं आगे फॉरवर्ड में, बाकी पैसेंजर्स केबिन ये सब है। बाई चांस अभी कभी आप लिफ्ट में फंस गए ना, ये टेलीफोन रहता है कॉल करने के लिए, या फिर आप ये बटन भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहुँच गया हूँ क्रू लॉन्ड्री। देखिए लिनन वगैरह रखा है यहाँ पे, ये पूरा अपना क्रू लॉन्ड्री है। स्टोर है, वाटर टाइट रोड तो यहाँ रहेगा ही, सबसे लोअर डेक है। बाकी इसके अंदर ये देखिए मशीन्स हैं, यहाँ पे सब वॉशिंग वगैरह होता है, कपड़े धुल रहे हैं। ये देखिए पूरी मशीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, इतना बड़ा लॉन्ड्री रहता है जहाँ पे कपड़े वगैरह सब धुलते हैं, मतलब लिलिन ये देखिए सामने रखे हैं, सब बेडशीट्स वगैरह सब यहाँ पे धुलते हैं। तो चलिए अभी लेके चलता हूँ ऊपर मैं आपको। फिर से मैं पहुँच गया हूँ क्रू एरिया में। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा क्रू एरिया है, यहाँ पे क्रू रहता है। ये स्टेयर्स देख सकते हैं ऊपर जा रही हैं। ये जो डेक जीरो है ये डेक ए है, मतलब एक डेक नीचे है। ओके, तो चलिए आपको मैं एक केबिन के अंदर लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसा होता है क्रू केबिन। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए ये केबिन को ओपन कर लेता हूँ मैं, ऑलरेडी खुला है। और ये मिनी बार, कुछ अगर रखना है फ्रिज में आपको तो दो चेयर हैं, सिंक, और ये अंदर एमिनिटीज़ वगैरह रखने के लिए सिंक, और नीचे आपको शूज़ वगैरह रखना है तो इधर आप रख सकते हैं। तो पूरा केबिन कुछ इस तरह का है देखिए आप, और जो वॉशरूम है वो इधर रहेगा। ये देखिए वॉशरूम, और ये शावर लेने के लिए इस तरह का है। और ये देखिए ये शेयरिंग टॉयलेट है, उस साइड को भी केबिन होगा अगर हम उस तरफ को जाएंगे तो। आपको दिखाऊं तो ये देखिए आप, उस तरफ को भी केबिन है। और ये केबिन्स जो हैं अलग अलग होते हैं, अगर ये क्रू के लिए शेयरिंग केबिन, सिंगल केबिन भी होते हैं, जैसे मैनेजर्स ऑफिसर्स तो उनके लिए सिंगल केबिन होता है, और डिपेंड करता है शिप टू शिप। और ये जो शेयरिंग टॉयलेट है ये भी डिपेंड करता है शिप टू शिप, हर शिप में अलग रहता है, किसी में शेयरिंग नहीं रहता है आपका। इसमें एक केबिन में 2 क्रू मेंबर होगा बट टॉयलेट शेयरिंग नहीं होगा, किसी में शेयरिंग रहता है। ये सब शिप के डिज़ाइन पर डिपेंड करता है किस तरह का शिप है। तो चलिए आपको कुछ और दिखाता हूँ मैं। और ये देखिए ये पूरा क्रू अकोमोडेशन है, और यहाँ पर देखिए ये पूरा शिप का वो बनाया है चार्ट।
पर देखिए जैसे ऊपर लिखा हुआ है 1 पर्सन, तो ये एक आदमी के लिए। और ये केबिन्स में आपको जो दिखा रहा हूँ ये है डेक फोर में, यहाँ पर ड्रिल वगैरह होती है, आप आ सकते हैं यहाँ पे अपने फ्री टाइम में। और ये सामने जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है स्मोकिंग जोन, अगर आपको स्मोक वगैरह करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, पूरा स्मोकिंग एरिया है ये। ये भी क्रू एरिया है पूरा, यहाँ पे क्रू बैठ सकता है। ये सामने जकूजी है अपना, और ये देखिए यहाँ पे अगर आपको बैठना है तो आप बैठ सकते हैं। ओपन डेक है क्रू के लिए फॉरवर्ड में, तो जकूजी में जाने से पहले आपको शावर लेना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद आप जकूजी के अंदर चले जाओ। अभी तो पानी नहीं होगा इसके अंदर मुझे लगता है, अभी तो खाली है, नहीं तो आप इसमें जाके मस्त इन्जॉय कर सकते हैं, नहाना आना आपको है तो। बिल्कुल फॉरवर्ड में है देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए सामने, और यहाँ से आपको दिखाऊँ तो ऊपर वो शिप का ब्रिज दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे लिफ्ट देख सकते हैं आप, क्रू के लिए लिफ्ट है पूरी। तो चलिए मैं आपको अभी स्टेयर से लेके चलता हूँ नीचे, इस तरह की सीढ़ियाँ रहती हैं शिप में, पूरे लोहे का बना रहेगा रेलिंग ये वो सब। तो यहाँ पे मैं नीचे लोअर डेक में पहुँच गया हूँ, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा क्रू एरिया दिखाया जहाँ पे क्रू रहता है, खेलता है, उनके केबिन्स वगैरह, क्रू बार, मैस, ये सब कुछ मैंने आपको दिखाया। तो आप मुझे बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।